In this session, we will see design of septic tank, okay? और जो चीज बच गया है थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे, जो कि आपको 3rd यूनिट में जो भी है कुछ चीजें होंगी जिसको देखना है। ऑक्सीडेशन डिश की बात करें वो क्या है उसके बारे में देख लेंगे, ओके। और फिर हमारा ये जो यूनिट है आपका यूनिट 3rd जो है देख रहे हैं, काफी बड़ा यूनिट था, ये आपको खत्म हो जाएगा। तो टोटल इसमें 28 नंबर का आपको इससे पूछा जाता है यूनिट 3 से, तो एक बहुत बड़ा ये पार्ट है सिलेबस का जो कि खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ, है ना। तो ये अगर यूनिट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको कितना बचेगा बताइए। तो क्या लगता है, 2 नंबर का है पांचवा तो हो ही गया, दो नंबर का पूछो ना, दो दो नंबर का यस नहीं पूछता है, अब की बार नहीं आया। जैसे देखिए ये लेआउट वगैरह आप कर लेंगे, फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, स्किमिंग हो गया, ग्रेट रिमूवल स्किमिंग हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, फ्लड डाइजेशन, ट्रिकलिंग फिल्टर एक्टिविटीज प्लस प्रोसेस, ठीक है, सीवेज का डिस्पोजल जो है आपका वो क्या चीज हो गया, कैसे उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्लज डाइजेशन भी उसमें आएगा, ठीक है, स्लज ड्राइंग जो करते हैं वो चीज आएगा, प्लस सीवेज का डिस्पोजल करने का मतलब कि उसको हम लोग रिवर है, सर बॉडी है, ये सब में हम लोग उसको डिस्पोज करेंगे। तो उसमें छोटा सा टॉपिक है, काफी ये नहीं है। सेडिमेंटेशन टैंक हमने देखा, ऑक्सीजन पॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन डिश जो है वो भी देखते हैं क्या है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, देख लेते हैं उसको भी। और उसके बाद फिर जो बाकी रेस्ट ऑफ यूनिट बच रहा हुआ देखिएगा आप, 2 नंबर, ठीक है, चौथा जो यूनिट है आपका, फिर छठा यूनिट देखिए 5 नंबर का है, उसके बाद फिर सातवां यूनिट 5 नंबर का है, और फिर प्लम्बिंग जो है ये भी यूनिट जो है इस डोमेस्टिक सीवेज में ही हो गया था, उसमें भी पढ़ा होगा आपने पेनिट्रेशन के बारे में, ये 2 नंबर का है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि हम लोग कितना पढ़ चुके हैं अभी, अगर ये पढ़ लेंगे आज तो 52 प्लस 56 हो जाएगा ना, 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी एक छोटा छोटा टॉपिक है उसको हम लोग बस डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इससे भी 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा भाई, बहुत है ना, सॉलिड वेस्ट से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या देख रखा है, आपने देखा होगा कि ये जो ट्रीटमेंट का फ्लो यूनिट दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं, ठीक है, फ्लो डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, एक कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्लांट का गिविंग हाई डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये चीज आप पहले भी देखे हैं, आज भी चलिए देख लेते हैं एक बार और। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं शुरू से, ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या रहे थे कि आपके पास जो रॉ सीवेज आया था उसको सबसे पहले हम लोग जो ट्रीटमेंट है, जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसको पहले तो 4 पार्ट में हमने किया था, और चारों पार्ट में हमने देखा कि अलग 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 हम लोग ट्रीटमेंट यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो था प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट था, जिसमें हम लोग देख रहे थे स्क्रीनिंग आ रहा था, ग्रिट चैम्बर आ रहा था, स्कीमिंग टैंक आ रहा था, वो बेसिकली आपको प्रिलिमिनरी में आ रहा था। प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, उसमें आपको PST आ रहा था, सेडिमेंटेशन टैंक आ रहा था, है ना। तो ये तो 2 हो गया। उसके बाद जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देख रहे थे, जो एरेशन टैंक और जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का जो कॉम्बिनेशन होता था, ठीक है, जिसमें हम लोग इसमें स्लज रिसाइक्लिंग प्रोसेस भी इंक्लूड करते हैं, वो आपका सेकेंडरी प्रोसेस हुआ करता था, अगर ESP बेस्ड ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो उसके बाद लास्ट में जो एक ट्रीटमेंट है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये है क्लोरीनेशन, दिस कॉल्ड टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट की बात करें तो ये आपको कब दिया जाता है, जब कोई स्पेशल केस हो, ठीक है, मान लीजिए हमको लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया चाहिए, मतलब बिल्कुल उसमें ऑर्गेनिक लोड तो वो तो डिकम्पोज हो गया, BOD वगैरह रिमूव हो गया, बट आपको बैक्टीरियल लोड भी बहुत कम चाहिए, उसमें बैक्टीरिया भी कम रहे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि पूरा क्लोरीनेशन करना होगा, डिसइंफेक्शन करना होगा, तो वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये आपको कभी कभी अप्लाइड होता है सीवेज के केस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक देखा था, सिमिलरली जो सेडिमेंट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है वो सिमिलर केस है, जो हम लोग वहां यूज करेंगे वही टैंक हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अपडेटेड वर्जन भी आया था सेडिमेंटेशन टैंक का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं क्या चीज है। तो जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, SST बोलते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी क्लेरिफायर भी बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो SST बोलते हैं, और जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है उसको हम लोग PST बोलते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं। तो सिमिलरली जो हमारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होगा, इसका भी पर्पज सेम रहता है कि इसमें हम लोगों का सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है उसका, वो होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को जितना भी आपका ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन हुआ है, ठीक है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हुआ है, उससे जितना भी स्लज होगा वो इसमें क्या होगा, सेटल डाउन होगा, और सेटल होने के बाद उसको निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, आपको एक टैंक जो देखिएगा, इस तरह का एक टैंक होता है, जो कि आपको इसको हम लोग बोल सकते हैं हॉपर बॉटम कॉनिकल वर्टिकल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये एक टैंक है, इस सेडिमेंटेशन टैंक का टाइप है, एक अपडेटेड वर्जन था। ठीक है, जिसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SST बोलेंगे। तो ये आपको कहीं कहीं यूज होता है, बट जनरली क्या है, ये सब कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इसलिए जो आप शुरू में देखे थे, जो रेक्टेंगुलर टैंक यूज कर देते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन केस में, हम लोग जनरली उसको भी यूज कर सकते हैं, उसको यूज कर लेते हैं जनरली। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर यहाँ देखिएगा, कुछ चीजें लिखी हैं, आपको देखें। ठीक है, तो कहा जाता है, ए सेकेंडरी क्लेरिफायर यूज फॉर सेटलिंग द एफ्लुएंट फ्रॉम द फिल्टर्स इज सिमिलर टू अ प्राइमरी सेटलिंग टैंक, उसके सिमिलर होता है, विथ अ डिटेंशन पीरियड ऑफ 1.5 to 2 hours का डिटेंशन पीरियड है, समझे। तो डिटेंशन पीरियड मतलब क्या हुआ, उतना टाइम तक उसमें पानी रहेगा सर, उतना टाइम तक उसमें पानी रुकेगा। तो डिटेंशन पीरियड हुआ हमारा, जितना देर उसमें पानी रहेगा, एक्सटेंड करेगा। एंड ओवरफ्लो रेट रेंजिंग बिटवीन 40,000 to 70,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ प्लान एरिया पर डे, मतलब उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर अगर हम टैंक का देखेंगे तो उसमें क्या होगा, इतना लीटर पानी पर डे आता है, तो इसका ओवरफ्लो रेट काफी ज्यादा है। ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर टैंक्स विथ हॉरिजॉन्टल फ्लो, जो आपको पहले भी दिखा होगा, और सर्कुलर टैंक्स विथ स्पाइरल फ्लो, जो आपने पहले देख रखा है, मे बी यूज्ड। इस केस में हम लोग उसको एज अ सेकेंडरी क्लेरिफायर भी यूज कर सकते हैं। समटाइम्स अ थर्ड टाइप, दैट इज हॉपर बॉटम्ड वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक, जो अभी आपने देखा है नीचे फिगर है, ठीक है, कॉल्ड जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्टमुंड टैंक। ठीक है, डॉर्टमुंड टैंक भी बोल सकते हैं इस तरह के टैंक को। तो इसमें क्या है, आपको वर्टिकल फ्लो है, इनलेट पाइप यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से पानी इन करेगा और पानी नीचे की तरफ आएगा, और नीचे से क्या होगा, यहाँ पे फिर पानी जो है नीचे, सॉरी, तो यहाँ आपको इनलेट पाइप दिख रहा होगा, इससे पानी क्या होगा, इन करेगा। तो इन करने के बाद जो है इसमें पानी आएगा, इसमें भरेगा, और भरने के बाद जब एक लेयर होगा, जैसे यहाँ तक देखिए एक लेयर पानी का भरा ये वाला, तो यहाँ तक होगा, कुछ स्कम होगा उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, प्लस उसके बाद जो भी यहाँ से आउटलेट देख रहे होंगे, ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, इससे फ्लो करके आपको बाहर निकलेगा और इस वियर में आएगा। तो ये आउटलेट वियर है जिससे पानी बाहर आएगा, जो कि प्योरीफाइड वाटर होगा, जो कि यहाँ पे सारा स्लज वगैरह सेटल हो जाएगा, उसके बाद ये निकल जाएगा। तो वो चीज़ है। तो स्लज के लिए क्या है, आपको देखिए ये वाला जो पाइप दिख रहा होगा, इसको हम लोग स्लज के लिए यूज कर रहे हैं। तो सिंपल है, ये भी कुछ ज्यादा ये नहीं है, थोड़ा अपडेटेड वर्जन है उसका, प्लस इसमें थोड़ा मैकेनिकल यूनिट ज्यादा है, स्लज रिमूवल इजी हो जाएगा। ठीक है, जो पाइप है उसके थ्रू हम लोग स्लज का रिमूवल करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो ये होता क्या है, दे आर सर्कुलर टैंक्स विद डीप कॉनिकल हॉपर, मतलब सर्कुलर टैंक ही होता है, बट नीचे क्या है उसका, कॉनिकल हॉपर रहता है, जिसमें आपको स्लज आएगा, विथ डायमीटर एज वेल एज हाइट रेंजिंग बिटवीन 7.5 to 9 मीटर,
they are very costly and as such not generally used these days, and ordinary rectangular tanks with horizontal flow are generally preferred even for secondary clarification. तो उतना ज्यादा ये आपको मायने नहीं रख रहा है कि ये कोई नया टैंक है प्लस को मतलब हम यूज करें, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्टली है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं जो आपका पुराना जो आपका रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी कम यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एरेशन टैंक लगाया, उसके बाद जो सेकेंडरी क्लेरिफायर का यूज करेंगे उसमें हम लोग जो प्राइमरी स्टीमेंटेशन में टैंक देख रहे थे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ये सब आप बस इसलिए लिखिए कि मान लीजिए पूछा जाएगा कहीं शॉर्ट नोट और ये सब, तो उसमें हम लोग फिगर ये भी बना सकते हैं। तो फिगर तो बहुत बनाना पड़ेगा एनवायरमेंटल में, ये तो क्लियर है, क्या शुरू से हम लोग देखते आ रहे खाली फिगर ही फिगर है ना। यस सर, यस सर, चलिए एक पार्ट और जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक चीज आप देख रहे थे ऑक्सीडेशन डिचेज के बारे में, ऑक्सीडेशन डिचेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग को देखना था। एक तो होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, होता है ना, तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में आपने देखा होगा कि वो क्या है, एक तरह का कंप्लीट नेचुरल प्रोसेस ऑफ सीवेज का ट्रीटमेंट है। उसमें क्या होता है कि हम लोग एरेशन कर रहे हैं, तो जो शैलो डेप्थ देते हैं ताकि जिसमें एरोबिक डिकम्पोजिशन हो, ठीक है, और उसको बहुत बड़ा तालाब की तरह बनाते हैं, मतलब बहुत बड़ा टैंक बनाते हैं, ठीक है, उसका लेंथ और विड्थ जो है बहुत बड़ा होता है, और उसमें क्या है आपको सिर्फ पानी इन कर रहा है और उसके बाद एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसके बाद फिर पानी जो है वापस चला जाता है। उसमें आपने देखा होगा कि एक एल्गी का भी रोल था कि फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के फिर उसमें क्या होता कि वो ऑक्सीजन जनरेट होता था, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिच एनवायरमेंट जनरेट रहता था ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, फिर वहाँ पे रिमूवल होता था। उसमें होता क्या है कि ज्यादा दिन पानी को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, जो डिटेंशन पीरियड है वो सब उसमें था, तो ये था कि उसमें बहुत दिनों तक पानी को रखिए, जो डिटेंशन पीरियड उसका है उतना पानी रखिए, फिर आपका जब प्योरिफिकेशन हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस से फिर निकाल लीजिएगा। तो एक और प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन डिचेज करके आता है, ये प्रोसेस क्या है एक्चुअली, ये एक तरह का एक्सटेंडेड एरेशन लैगून्स बोला जाता है। तो इसमें क्या है, जो आप एएसपी देखे हैं ना, एएसपी जो आपने देखा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से जो बेस्ट प्लांट अभी आपने देखा, इसमें क्या करते थे कि एक पोर्शन जो है हम लोग एक्टिवेटेड स्लज को रिटर्न करते थे एरेशन में, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट इसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस टैंक को एक एरेशन टैंक की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन डिच एक्चुअली क्या है, एक एरेशन टैंक ही हुआ, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्लज को जो है रिटर्न करते हैं इसमें। तो इसको देखिएगा अगर फिगर आप, ठीक है, तो इसका मेन देखिए प्रोसेस क्या रहेगा, सेम यही रहेगा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन डिच है, दिस इज ऑक्सीडेशन डिच, ठीक है, दिस इज एरेशन टैंक ओनली, जिसमें हमारा जो एरेशन टाइम है वो ज्यादा रहेगा यहाँ, ठीक है, 12 टू 15 आवर्स दिख रहा होगा। उसके बाद जो यहाँ से सेटल होने के बाद जो यहाँ से पानी जब सेटलिंग टैंक में जाएगा, ठीक है, जो सीवेज यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन होने के बाद जब सेटलिंग टैंक में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो स्लज होगा वो निकलेगा, तो स्लज जो निकलेगा उसको हम लोग भेज देंगे फर्दर प्रोसेस के लिए, और एक पार्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे जो कि हम लोग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में करते थे। तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन डिच क्या है एक्चुअली, जो एक एरेशन टैंक ही है बट एक अपडेटेड वर्जन बोल सकते हो आप। तो देखिए उसमें होता क्या है, एक बार देख लेते हैं उसको किस तरह का टैंक बनता है, ओके, तो इसको देखेंगे तो ये देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इसका प्लान व्यू है एक्चुअली, तो एक तरह का एक चैनल टाइप का हो गया ना, ये भी पॉन्ड तरह का ही है। आप देखेंगे पानी जो है एक सीरीज से यहाँ से पानी इन करेगा, यहाँ से पानी इन किया, ओके, और ये ऐसे बना हुआ है कि पानी जो है इस डायरेक्शन से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा और इस तरह से पानी जाके इसमें सेंड करेगा, और ये फिर ऐसे करके यहाँ से आके यहाँ से आके यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से सेटलिंग टैंक में जाएगा। तो एक तरह का ये क्या है टैंक बना हुआ है, जिसमें आपको देखेंगे कि कुछ इस तरह से ड्रेन टाइप बना हुआ है, लेकिन इसका चौड़ाई रहता है, अब देखेंगे इसका डिजाइन, तो ठीक है, तो ये चीजें हैं।
इसके बारे में दो चार लाइन देख सकते हैं यहाँ पे। तो कहा जाता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लांट जनरली इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ डिच चैनल्स। डिच चैनल्स, चैनल्स जो आपने देखा घुमा घुमा के चैनल्स बना हुआ है, तो वो बनाया जाता है प्लेस टुगेदर साइड बाई साइड, ओके, हैविंग डेप्थ ऑफ 1 to 1.5। ये नोट करने की चाहिए कि 1 to 1.5 आपको उसका डेप्थ जनरली रखा जाएगा। द विड्थ ऑफ द डिचेज इज लिमिटेड टू द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एरेशन रोटर्स। बीच में जो एरेशन रोटर्स लगा होगा वो हेल्प करेगा उसको एरेशन में, एंड मे वेरी बिटवीन 1 to 5 meter, ठीक है। तो वो वेरी भी करेगा, अगर रोटर वहाँ पे नहीं है, नहीं यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा उसको डेप्थ को बढ़ाना पड़ सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग शॉर्ट नोट तैयार करिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा, द लेंथ ऑफ द डिचेज इज नॉट टू इम्पोर्टेंट बट सम एफर्ट्स में बी मेड टू कीप द पैरामीटर्स ऑफ द वॉल्स टू मिनिमम। व्हेन टू और मोर डिचेज आर यूज साइड बाई साइड द लेंथ में वेरी फ्रॉम 150 meter to 1000 meter, इतना आपको रहता है। तो ये सब है, यूनिट बड़ा यूनिट है, ठीक है। टोटल लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसकी बात कर रहा है। द ऑक्सीडेशन डिचेज मे बी कंस्ट्रक्टेड इधर इन अर्थवर्क, ठीक है। अर्थवर्क मतलब क्या हुआ कि उसको हम लोग जैसे चैनल बनाते हैं ना, अर्थवर्क करके उस तरह से चैनल क्रिएट कर सकते हैं इस तरह का, और उसको पक्का करना पड़ेगा, पक्का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्बैकमेंट बना के हम कर सकते हैं, और इन ब्रिक वर्क कर सकते हैं, और स्टोन मेजनरी कर सकते हैं विथ वर्टिकल वॉल्स। ब्रिक और मेजनरी वॉल्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑक्यूपाई लेसर लैंड एरिया एंड डोंट गेट इरोडेड। मतलब अगर हम अर्थवर्क का बनाएंगे तो फिर इरोड हो जाएगा। वेदर दे आर कंस्ट्रक्टेड अर्थवर्क और मेजनरी, वाटर टाइटनेस इज एसेंशियल। मतलब वाटर टाइट होना चाहिए हमारा, जो भी हम डिच बनाएंगे, जो चैनल बनाएंगे, वो वाटर टाइट रहना चाहिए। टू इंश्योर द डिजायर्ड इमर्शन ऑफ रोटर, तो जो रोटर लगा होगा, ठीक है, इमर्शन उसमें इमर्स होना चाहिए, मतलब इस तरह से उसको डेप्थ देंगे, और उससे क्या होगा, हमारा एरेशन इम्प्रूव होगा। इच डिच चैनल इज यूजुअली इक्विप्ड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर विच सर्व्स द पर्पस ऑफ एजिटेटिंग एंड सर्कुलेटिंग द सीवेज। तो मतलब ये हुआ कि उसको मतलब मिक्स कंडीशन में रखेगा ताकि वहाँ पे रिएक्शन चलता रहे, ताकि हमारा डिकम्पोजिशन चलता रहे, जो वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज इसको करता रहे, प्लस ऑक्सीजन भी उसमें हर जगह मौजूद रहे, इसलिए इसको एजिटेट किया जाता है, ठीक है। द रोटर नॉट ओनली गिव्स ऑक्सीजन सप्लाई टू सीवेज बट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द सीवेज सॉलिड इन सस्पेंशन। तो सीवेज सॉलिड सस्पेंशन में रहेगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो रहेगा उसमें, ठीक है, और वो क्या होगा, हर जगह पहुंचेगा, प्लस वहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसका, उसका रिमूवल होगा, ठीक है। बाय इंपार्टिंग सीवेज वेलोसिटी ऑफ मोर देन 0.3 meter per second। तो ये किसका वेलोसिटी है, जो रोटर है उसका है। द थोरली एरेटेड सीवेज इज देन सेटल्ड इन अ सेटलिंग टैंक बाय स्टॉपिंग द रोटर फॉर 2 hours। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग सेटलिंग टैंक में भेजेंगे, जहाँ पे आपको क्या होगा, उसका सेटलिंग होगा। जो सेटलिंग टैंक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ के बाद क्या है, आपको सेटलिंग टैंक में गया और यहाँ से आपका यहाँ पे सेटल करेगा। तो यहाँ पे एक सेटलिंग टैंक में जाएगा तो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का जो पीरियड है आपका, उसका वहाँ पे लगेगा ताकि वहाँ सेटल हो जाए, और सेटल होने के बाद फिर वो स्लज को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 घंटे तक क्या है आपका वहाँ सेटलिंग होगा। देन टेकिंग द क्लियर सुपरनेंट लिक्विड एट द टाइम ऑफ नो फ्लो ड्यूरिंग नाइट आवर्स इन केस ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज, ठीक है। द पार्ट ऑफ सेटल स्लज इज यूज फॉर रिसर्कुलेशन, और एक्सेस स्लज को हम लोग जो उसका स्लज डाइजेशन टैंक वगैरह है उसमें भेज देंगे, उसको अलग लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज जनरली करेंगे। ये फिगर है, एक्चुअली दिखने लगा, अगर नेट इंटरनेट पे जाएंगे तो आप इस तरह का जो डिच यहाँ बना हुआ, चैनल बना हुआ, वो दिख ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो है ब्रिक मेजनरी, स्टोन मेजनरी का बना होगा, ऐसे ऐसे घुमा रहता है, गोल गोल देखिएगा, बीच में लाइन किया हुआ है, मतलब पानी जो जाएगा एक साइड से, यहाँ से अगर इन कर गया पानी तो पानी ऐसे ही आएगा, इसी रास्ता से पानी पहुंचेगा, ठीक है। जो इसका रास्ता बना है देख रहे हैं एरो, उसी से जाके पानी के आउटलेट होगा। तो पूरा इसको मूव करना पड़ेगा जितना इसका लेंथ होगा डिच का, ठीक है। डिजाइन कंसिडरेशन देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एरेशन चैनल रिक्वायर्ड अंडर इंडियन क्लाइमेट शुड बी सच दैट
हैज टू गिव अ डिटेंशन पीरियड ऑफ 12 to 15 आवर्स। तो मतलब 12 से 15 घंटे का आपको डिटेंशन पीरियड चाहिए, ठीक है। और 800 to 2500 liters पर केजी ऑफ बीओटी लोड प्रेजेंट इन सीवेज एडमिटेड, ठीक है। मतलब इस तरह का हमारा उसका वॉल्यूम रहना चाहिए। द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द मिक्स लिक्विड शुड बी हाई से इतना, द वॉल्यूम ऑफ ब्लीच शुड बी इतना क्यूबिक मीटर पर लेंथ ऑफ द रोटर, द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस केज टाइप रोटर इज 1 मीटर। तो ये सब उसका क्या है, जनरली डिजाइन फंक्शन है कि किस तरह का रहना चाहिए, ठीक है। जो उसका सिलेंड्रिकल केज होगा रोटर का 0.7 होगा, जो आप देखे थे गोल सा। इट इज रोटेटेड एट स्पीड ऑफ 75 RPM, ठीक है, वाइल डिपिंग 10 cm इनटू द लिक्विड। तो ये सब उसका डिजाइन कंसीडरेशन है, ठीक है। तो आपको उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा मुझे लगता है इसमें ऑक्सीडेशन डिच में। कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे कि उसका क्या डिटेंशन पीरियड होगा, ठीक है, कितना लोड का रिमूवल होगा। जैसे कि यहाँ देखिए रिमूवल कितना होता है बीओडी का, अगर देखें तो जो 95% रिमूवल उसमें सॉलिड्स का हो जाता है और 98% रिमूवल जो है बीओडी का हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, फिगर पहले अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद इसका वर्किंग जो है उसको लिख देना है, उसका डिटेंशन पीरियड लिख देना है, ठीक है। और उसके उसमें आपको जो रिमूवल हुआ बीओडी का, सॉलिड का रिमूवल हुआ, वो सब आप उसमें लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें अगर आपको देखना है फिर इसको पढ़ लेंगे तो आप देख पाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये सब क्या है जो जो डिश यूज कर रहे हैं, ये सब किसके लिए यूज करेंगे, तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मानिए कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाने का इतना एरिया नहीं हो, वहाँ क्या है इससे भी ज्यादा एरिया चाहिए, ठीक है। यहाँ तो लेंथ आपको दिख रहा है, लेंथ में ये बना हुआ है प्लस इसका विड्थ कम रहता है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन पॉन्ड की बात करें तो बहुत ही लेंथ विड्थ को छेकता है, बहुत बड़ा प्लान एरिया को वो छेक रहा है। तो इसलिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारा मानिए कम साइज है, ठीक है, ये। अदरवाइज हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो है बेस्ट है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, उसमें हमको ऐसा कुछ रोटर और ये सब करने की आवश्यकता है नहीं। पानी को इन कराया, उसमें स्टैंड कराया पानी को, ठीक है, नेचुरल एकदम नेचर में सनलाइट आया, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस और ये वो प्रक्रिया हो रही है। बट यहाँ पे उस तरह का कोई चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, जनरली उस लेवल का नहीं हो रहा जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में हो रहा है। सो दिस मेथड इज प्रेफरली यूज फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक, जो भी आप मेडिकल का इंडस्ट्री, मेडिकल दवा बनता है उसका इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, डेयरी का इंडस्ट्री हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको सिटीज वगैरह होता है ना उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इसको रेडी कर लेंगे नोट्स में, ठीक है। यस सर, हो जाएगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सब तुम लोग बहुत पढ़े। चलिए एक चीज हम लोग लास्ट देख लेते हैं इस यूनिट में, जो हम लोग एक डिजाइन देख रहे थे, ये पूछा जाएगा शायद, ये आपको कभी कभी पूछा है, एक बार पूछा है इसलिए इसको बताया जाए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा अगर आपको तो। एक तो सेडिमेंटेशन टैंक का पूछेगा, एक बार बनाया है याद है सबको सेडिमेंटेशन टैंक का? यस सर, बनाए थे सेडिमेंटेशन टैंक का बनाए थे, और फिर उसमें एक बार डिसइंफेक्शन में हम लोग क्लोरिनेशन का बनाए थे, क्लोरिन का निकाले थे डोज, याद है, अप्लाइड क्लोरीन और ये सब निकाले थे। तो वो सब कुछ क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्लस एक और मतलब पब्लिक वाटर सप्लाई में देखा होगा आपने, उसका जो मिक्स का था कंसंट्रेशन निकालना होता है, तो वो चीज़ पूछेगा आपको कि डिस्पोजल जब करते हैं, ठीक है, तो रिवर का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो जाता है, इसी यूनिट का वो। तो याद है किसी को? जी सर, जो कंसंट्रेशन निकालना था आपको, रिजल्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिवर, अगर आप सीवेज इन कर रहे हैं, बीओडी कुछ है उसमें, तो कैसे उसका फॉर्मूला निकालते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या करते थे, C1x1 + C2x2 / C1 + C2, याद है? यस, वो सब याद रखिए, कहीं उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है अभी, डिजाइन द डायमेंशन ऑफ ए सेप्टिक टैंक फॉर स्मॉल कॉलोनी ऑफ 150 persons provided with an assured water supply from the municipal headwork at a rate of 120 liters per person per day। तो ये आपको क्या है, एक तरह से डिस्चार्ज दिया होगा, इतना क्वांटिटी जो है पानी सप्लाई किया जाता है रोज, ठीक है, पर डे जो है एक दिन में
120 लीटर पर पर्सन आपको दिया जा रहा है, ओके। तो है उस कॉलोनी में 150 लोग, हम लोग टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं क्या? यस सर, मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, कॉपी पेन निकालिए, उसमें लिखिए इस न्यूमेरिकल को, देखिए पिछली क्लास में भी हम लोग एक झलक देखे थे इसका, है ना? जी सर, देखिए। तो सबसे पहला काम करिए कि आप लोग द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इन दैट कॉलोनी वो निकालिए। तो कॉलोनी में पानी का सप्लाई जो होगा, क्यू जो होगा, वो कितना हो जाएगा? दैट वुड बी जो आपने 150 लिया है, 150 लिखिए, ठीक है। 150 में से क्या होगा कि 150 आदमी के लिए निकालना है, इनटू जो 120 है उसको 120 लिखिए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इतना लीटर पर डे आपको पानी उस कॉलोनी में चाहिए, कितना आ गया? 18,000 सर। 18,000 सर। 18,000 वाट, यूनिट बोलना बहुत जरूरी है, हमेशा हम जोड़ देते हैं, आप यूनिट बोलिए, उतना लीटर पर डे। तो 18,000 लीटर पर डे आपको पानी सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा ना, एज्यूम एनी डेटा इफ यू में नीड। तो ये तो पानी का सप्लाई हुआ, तो पानी जो सप्लाई होता है, सप्लाई वाटर जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं डोमेस्टिक पर्पस में यूज कर रहे हैं, तो पानी जो है वेस्ट वाटर बन जाता है ना, तो उसका कुछ परसेंटेज होगा जो वेस्ट वाटर बनता होगा। तो हमने मान लिया 80% जो वाटर सप्लाई हुआ है वो क्या है, सीवेज बन जा रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 80% आपने क्या मान लिया कि वाटर सप्लाई जो है वो सीवेज बन रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्यू जो निकाले हैं, क्यू का 80% निकाल देंगे, दैट इज क्यू 80/100 कितना आया बताइए? 4,400 लीटर पर डे। मतलब जो 18,000 था वो वाटर सप्लाई है, और उसमें से 14,400 हम बोल रहे हैं कि सीवेज बन गया। तो हमको तो इसी को ध्यान देना है ना, इसी के लिए सेप्टिक टैंक डिजाइन करना होगा, है ना? यस। तो इसके लिए हमको सेप्टिक टैंक का डिजाइन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको मिल गया है क्यू। तो जनरली देखिए क्यू मिल गया, तो अब हमको क्या चाहिए, एक्चुअली उसका हमको कैपेसिटी चाहिए, है ना? तो कैपेसिटी टैंक का निकालना होगा। तो अगर कैपेसिटी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसका एक विड्थ हाइट और ये एज्यूम करके, एक रेशियो एज्यूम करके बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिटेंशन पीरियड, ठीक है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम लोग डिटेंशन पीरियड 24 आवर्स, उसको 24 आवर्स का डिटेंशन पीरियड देते हैं, तो हमारा क्वांटिटी कितना हो जाएगा? तो क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिटेंशन पीरियड, 24 घंटे में कितना पानी, कितना सीवेज प्रोड्यूस होगा, तो कितना हो जाएगा आपको बताइए? एक दिन में आपका कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ना? तो ये तो एक दिन मतलब क्या, 24 घंटा हुआ, तो उतना ही रह जाएगा। एक दिन मतलब क्या होता है, 24 घंटा डिस्टेंशन पीरियड मान लिया, एक दिन वही हो गया, 24/24 हो जाएगा। मतलब डे को आप 24 लिख दीजिए, ऊपर भी 24 लिख दीजिए, 24/24 हो गया 1। तो 24/24 1 हो गया, मतलब हमारा जो भी रह गया, जो निकला था उतना ही रह जाएगा। तो हमारा जो है इतना लीटर पानी जो है एक दिन मतलब 24 घंटे में इतना लीटर जो सीवेज है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और प्लस वो आपको सेप्टिक टैंक में जाएगा इतना 14,400 एक दिन का। सर 24/24 समझ में नहीं आया सर। अरे जो डिटेंशन पीरियड में पूछा जा रहा है, यहाँ क्या लिखा है कि द क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिटेंशन पीरियड, तो डिटेंशन पीरियड कितना है, 24 घंटा, 24 घंटा कितना होता है एक दिन, तो एक दिन में कितना प्रोड्यूस होगा, तो एक दिन में तो 14,400 लीटर होगा ना। क्या होता है इसका मतलब, मतलब इतना लीटर पर डे, तो एक दिन में मतलब इतना लीटर, वही हुआ एक दिन में इतना लीटर। yes. बस समझने का कुछ फिर और कुछ नहीं है, सिंपल है। 24 घंटा यहाँ दिया हुआ डिटेंशन पीरियड, हमने एज्यूम कर लिया उसको, तो क्वांटिटी जो होगा डिटेंशन पीरियड के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए ये होगा। तो अगर आपको करना है इसको, जैसे मान लीजिए, तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 24 आवर कीजिएगा, है ना?
और फर्दर इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 14,400 तो रह जाएगा, है ना, 14,400 आपको यहाँ दिखेगा। और एक तो 24 आपका ऊपर यहाँ से आया तो ये आवर में था, ओके। तो जो डे है, एक एक डे को आप बदलिएगा ना आवर में, तो इसको 24 घंटे में बदल सकते हैं, तो 24 हमने कर दिया, तो ऊपर आवर नीचे आवर दोनों कट गया, दोनों कट गया तो यही ना बचा इतना लीटर, ठीक है। चलिए एक चीज और आप मान लेते हैं कि सपोज नाउ एज्यूमिंग द रेट ऑफ डिपोजिटेड स्लज एज 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर, मतलब एक पर्सन जो है 30 लीटर जो है आपका स्लज, मतलब एक आदमी से 30 लीटर स्लज जो है एक साल में आता होगा, ये एज्यूम कर लिए डेटा। ये डेटा भी आपको सेप्टिक टैंक में क्या है आपको ये सब गिवन रहता है कि ये डेटा आपको एज्यूम करना है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जनरली नहीं दिया रहेगा तो आप इसको आप एज्यूम कर लेंगे 30 लीटर पर कैपिटा पर डे करता होगा, ठीक है। ये डेटा है तो इसका एक कुछ रेंज है, ठीक है, 30 से 35 ये आपका रेंज होता है शायद, अगर देखेंगे पढ़ेंगे अच्छे से तो बुक में मिलेगा, या आपको अगर सेप्टिक टैंक का डिजाइन देखेंगे तो वहां से मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो रेट है उसको आप एज्यूम कर सकते हैं, या इसमें क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर जो है रेट ऑफ डिपॉजिटेड स्लज है। तो जब रेट ऑफ डिपॉजिट स्लज अगर है 30 लीटर तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। जनरली होता क्या है कि जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है, तो टैंक में एक्चुअली दो चीज होता है, एक तो कैपेसिटी बनता है स्लज के लिए ताकि स्लज स्टोर होगा, एक बनता है सीवेज के लिए ताकि वहाँ सीवेज स्टैंड होगा, पानी वहाँ खड़ा रहेगा। तो दो कैपेसिटी को ऐड करना होगा एक तरह से, ये समझिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो आप सेप्टिक टैंक देखते होंगे उसमें क्या है कि नीचे जो है आपका स्लज है उसके लिए भी आपको डिजाइन करना है कि जो स्लज है स्लज टैंक भी स्लज का कैपेसिटी भी आपको ऐड करना है। तो मान लीजिए स्लज का कैपेसिटी है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं ये सीवेज का कैपेसिटी है, दोनों का ऐड करेंगे तब जाके हमको टोटल कैपेसिटी मिलेगा, तो इसलिए स्लज का कैपेसिटी हमको निकालना पड़ेगा। तो ऑल्सो एज्यूमिंग द पीरियड ऑफ क्लीनिंग इज 1 ईयर, एक साल में हम लोग उसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साल में अगर क्लीन कर रहे हैं तो एक साल में कितना आपको द वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा, तो आप 30 को जो है और यहाँ पे पर कैपिटा, कैपिटा है तो मतलब एक पर्सन की बात करें तो 150 लोग की बात करेंगे, तो इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 को हमने 150 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 150 लोगों के लिए हो गया। उसके बाद एक ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखेंगे कि ये एक ईयर का हो गया, मतलब हो गया आप ये भी हटा दीजिए, आप ये भी हटा दीजिए, दोनों से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो लीटर बचा, तो मतलब कितना लीटर चाहिए वॉल्यूम एक साल में आपको, 4500 लीटर पानी जो है उतना लीटर परी वॉल्यूम जो है स्लज के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अब ऐड कर लेंगे, जो हमारा स्लज कैपेसिटी आया जो हमारा सीवेज का कैपेसिटी आया दोनों को आप ऐड करिए और वो आपका टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा, क्योंकि वही टैंक का कैपेसिटी होगा दोनों को ऐड करने पे। तो ये हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इतना प्लस इतना, दैट इज दिस, ठीक है। इसको अगर हमको लिखना है क्यूबिक मीटर में तो ऐसे लिख सकते हैं, मीटर क्यूब में, मतलब एक लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 मीटर क्यूब सर, ये होता है, यस सर, ठीक है, ये कर लेंगे। अब क्या है, कौनसी है सर, वो जो क्या कहता है डिपॉजिट हो रहा था जो, वो एक ईयर में टोटल जो डिपॉजिट होगा ना 4500 लीटर, तो एक ईयर होने पे जो वॉल्यूम ऑफ स्लज जो स्लज डिपॉजिट हो रहा था सर हम लोग का, एक ईयर में हो रहा था ना वो 4500, वो मैक्सिमम हुआ स्टार्टिंग के एक महीने में उससे कम ही रहेगा मतलब। अरे तो एक साल का कैपेसिटी चाहिए ना हमको, हमको तो कितना कैपेसिटी चाहिए वही ना निकालना है, ये बताइए लीटर में आया ना आपको, यस सर। जैसे स्लज जो है, सुनिए आप, स्लज जो है हमारे 6 महीने में क्लीन हो जाता तो हम 6 महीने के हिसाब से निकालते, हम हाफ मल्टीप्लाई करते, हाफ ईयर मल्टीप्लाई करते, है ना, तो yes, मतलब उतना दिन बाद तो खाली हो जाएगा, तो उससे ज्यादा तो उसमें कैपेसिटी नहीं चाहिए स्लज को, समझे ना, ओके। तो इसके ये ठीक है, उसको ज्यादा कैपेसिटी नहीं चाहिए, वो साल में क्लीन हो जाता है, इसलिए
उतना ही लीटर कैपेसिटी चाहिए स्लज को सर, मैक्सिमम हो गया तो दोनों। हाँ हाँ मैक्सिमम वही होगा, उसके बाद साफ करना पड़ेगा, उसको निकालना है ना। माने क्लीनिंग पीरियड आप 6 महीना ज्यूम कर लेंगे, 6 महीना करेंगे तो आपको 6 महीने के हिसाब से निकालना होगा। यस सर। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया। उसके बाद देखिए हमने एज्यूम कर लिया डेप्थ जो है 1.5 मीटर, ठीक है। डेप्थ जो है उसको मान लिया हम, जो हमारा डेप्थ है टैंक का वो हमने मान लिया कि आपका 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर जो है मान लिया हमने। अब क्या है, सरफेस एरिया अगर निकालिएगा तो ये मीटर क्यूब में आया है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना है 18.9 मीटर क्यूब, ठीक है। और आपका डेप्थ आया है डी, तो इसको डी बोलिए, लेंथ बोला हमने तो डी बोला जाए, तो इसको डी बोलिए, ठीक है। तो वॉल्यूम अपॉन डी कर दे, तो वॉल्यूम मतलब जो कैपेसिटी हुआ वही वॉल्यूम हुआ, तो उसी को हम लोग 18.9 अपॉन 1.5 किया और हमारा इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमको डेप्थ पता है, एज्यूम कर लिया हमने 1.5 मीटर, तो बाकी जो एरिया आ जाएगा वो इस तरह से आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस डिजाइन में खाली एजम्पशन है, एज्यूम करना पड़ेगा बहुत सारा चीज। अब एक चीज और एज्यूम करना होगा, क्या एज्यूम करना होगा, लेंथ और विड्थ, लेंथ विड्थ रेशियो लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया फिर से, ठीक है, कि लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है दैट इज एल बाय बी इज इक्वल टू 3। अब बनाइए, तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं एल इंटू बी। तो एल इंटू बी लिखेंगे हम, एल को क्या लिख सकते हैं, 3b लिख सकते हैं, हो जाएगा 3b इंटू बी, 3b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3b स्क्वायर जो है ये सरफेस एरिया आएगा, और इसको आप इक्वेट कर दीजिए इससे, यही किया गया है। तो आपको आया कुछ इस तरह से, देखिए आ रहा है क्या चीज, जी सर 2.09। तो ये आ गया आपको विड्थ आ गया, तो लेंथ कितना आएगा बताइए, एल कितना आएगा, सिक्स पॉइंट वन को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 6.3 होगा ना, 6.3 तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रोवाइडेड इज दिस, तो इतना एरिया जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, 12.6 मीटर स्क्वायर। दस द डायमेंशन ऑफ द सेप्टिक टैंक विल बी, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो डेप्थ है जो 1.5 मीटर माना था, इसको हम लोग फ्री बोर्ड यहाँ ऐड करते हैं, याद है, वहाँ सेडिमेंटेशन टैंक में भी कर रहे थे। yes. तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, फ्री बोर्ड ऐड कर दीजिए 0.3, ज़ूम कर लीजिए कि 0.3 जो है फ्री बोर्ड भी है, तो उसको ऐड करके तब टोटल डायमेंशन बता दीजिए। तो हम लोग यहाँ देखिए फ्री बोर्ड यूज किया है इसने, ठीक है, तो आप उसका टोटल हो गया 6 × 2.1 × 1.8, ये आ गया आपको मीटर में। ये टैंक का साइज निकल गया, ही निकालना है जी सर, ठीक है, ये सब पूछता है। प्लस आप जो है इस डिजाइन को आप वहां लिख लीजिएगा, क्या बोल जो आपका लैब है नोहटल इंजीनियरिंग का लैब है, उसमें एक डिजाइन का पोर्शन है, तो आप वहाँ एज्यूम करके कोई डेटा आप अपने हिसाब से भी एज्यूम कर सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो वो लेके वहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। एक फिगर जरूर बना लीजिएगा सेप्टिक टैंक का, और ये जरूर लिख लीजिएगा डिजाइन उसमें जो कॉपी लिख उसमें जो बनाएंगे प्रैक्टिकल फाइल उसमें, ताकि वो लैब का जो लास्ट वाला प्रैक्टिकल है वो भी हो जाए, ठीक है।
हो जाएगा ना, वो कर लेंगे क्या? यस सर। चलिए अब हम लोग यूनिट को एकदम खत्म ही कर चुके हैं, एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ सीवेज। मान लीजिए कभी जरूरत पड़ेगा तो क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं, तो डिसइंफेक्शन के में प्रोसेस में क्या हम लोग कर सकते हैं, क्लोरिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी था क्लोरिनेशन प्रोसेस। आपको अगर याद होगा तो हम लोग म्यूनिसिपल सप्लाई में हम लोग कैसे क्लोरिन को मिलाते हैं, कौन बताइएगा, याद है किसी को? क्या बोले सर? क्लोरिनेशन जो है हम लोग अगर पब्लिक वाटर सप्लाई में जो करते हैं क्लोरिनेशन, यस, कैसे करते हैं सर? उसको तो तीन फॉर्म में मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में मिलाते हैं या फ्री क्लोरीन के फॉर्म में जो लिक्विड फॉर्म रहता है उसमें मिलाते हैं। और उसका फॉर्म होता था सर प्री क्लोरीन, पोस्ट क्लोरीन। हम क्या पूछ रहे हैं कि पब्लिक वाटर सप्लाई करना है हमको, वाटर ट्रीटमेंट है, WTP है, पानी प्योरीफाई होके आ गया, फिल्ट्रेशन होके आ गया, हमको सप्लाई करना है सिटी में, हम क्या करेंगे, कौन सा किस तरह से क्लोरीन ऐड करेंगे, क्लोरीन किस तरह से ऐड करेंगे, कौन बताएगा? किसी को याद नहीं है? आशुतोष, डिसइंफेक्शन प्रोसेस है। अरे डिसइंफेक्शन प्रोसेस तो करेंगे ही, वाटर ट्रीटमेंट जब करेंगे, फिल्ट्रेशन हमारा हो गया, लास्ट में जब हमको क्लोरिनेशन करना है तो क्लोरिनेशन को क्लोरीन को कैसे ऐड करते हैं, ये पता नहीं तुमको? क्लोरीन को हम कैसे ऐड करेंगे, पाइपलाइन जो है, जो सप्लाई है हमारा जल, फिल्टर से पाइपलाइन आया बाहर, फिल्ट्रेशन वाटर फिल्टर होके आ गया बाहर, हम क्या करेंगे उसमें, क्लोरीन गैस का डोज उसमें देंगे, नहीं याद है? क्लोरीन सिलेंडर का यूज करेंगे, उसमें जो सर्टेन डोज होगा उसमें देंगे, ताकि हमारा रेजिडुअल क्लोरीन 0.2 रह जाता है। तो वो आपको पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, रेजिडुअल क्लोरीन रहना चाहिए, कैसे हम लोग गैस ये क्लोरीन का सिलेंडर यूज करते हैं फॉर क्लोरिनेशन। तो वो चीज इतना आसान था कि हम लोग पाइप में एक जगह उसको डोज बना दिए, ठीक है, ताकि क्या होगा वहाँ ऐड रहेगा, और जब भी जरूरत पड़ेगा रेगुलेटर खोलेंगे, एक उसमें डोज चला गया, रेगुलेटर बंद हो गया, फिर पानी में मिला, पानी का क्लोरिनेशन हो गया। तो इसके लिए ना कोई टैंक यूज कर रहे थे, ना कुछ यूज कर रहे थे, इसमें जो मेन पाइप है, मेन सप्लाई का पाइप है, उसी में क्लोरिनेशन कर रहे थे, याद है ये चीज? इसको पढ़िए जरा, ठीक है, क्योंकि ये मायने रखता है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अगर आप वाटर ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं तो क्लोरिनेशन कैसे करते थे, इजी मेथड है, ये सिंपली क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर एक जगह इंजेक्टर ला, पाइप में इंजेक्ट करना है, इंजेक्टर वहां पे फिक्स है, वहां से एक डोज हमको देना है उसमें, सिंपली जितना सर्टेन आप डोज निकालिएगा, जो सिंपल कैलकुलेशन है उसका, याद है हम लोग ट्रायल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल करके रेजिडुअल क्लोरीन को टेस्ट करके निकालते हैं कि हमारा 0.2 किस में आ रहा है, उस तरह से डोज डिसाइड करते हैं। तो वही था, तो डिसइंफेक्शन अगर सीवेज का करेंगे क्लोरीन से, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट क्लोरिनेशन करेंगे, मतलब जो आप ट्रीटेड सीवेज है, फाइनल लास्ट स्टेप हम लोग क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं। तो ये कब करेंगे, जब आपको बैक्टीरियल काउंट बहुत कम चाहिए किसी भी चीज में, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, इसको अडॉप्ट करेंगे, मतलब लो बैक्टीरियल काउंट हमको चाहिए सीवेज से, ताकि उस तरह से हमको यूज कर पाएंगे उसको, तो उस कंडीशन में चाहिए, तो पार्टिकुलर कंडीशन में इसको किया जाता है। हमेशा आपको सीवेज को क्लोरिनेशन नहीं किया जाता जनरली, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगा वहां करेंगे, ठीक है ना? यस। कभी कभी प्री क्लोरिनेशन कर सकते हैं, तो प्री क्लोरिनेशन करने से क्या होगा कि जो सेडिमेंटेशन टैंक में जब सीवेज आएगा तो वहां पे गंध नहीं रहेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मे प्रिवेंट फ्लाइज इन थिकनिंग फिल्टर, मे असिस्ट इन रिमूवल ऑफ ग्रीस, ये सब हो सकता है। क्लोरीन को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि हमारा कुछ बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिक्लोशन करते हैं तो, है ना, ये सब चीजें हो सकते हैं अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी क्या है, जो कलेक्टिंग जो सीवर होता है ना, उसमें हम लोग जनरली क्लोरीन ऐड कर लेते हैं, तो प्री क्लोरिनेशन करने से भी फायदा होता है कि हमारा जो आपका कलेक्टिंग सीवर है, सीवर वगैरह जो है वो खराब ना हो, ठीक है, जो डिस्ट्रक्ट ना हो, डिसइंटीग्रेट ना, टूटे नहीं,
तो इसलिए हम वहां पे क्लोरीन का करेंगे। तो क्या होगा, क्लोरीन अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो मेन कलेक्टिंग सीवर है, ठीक है, वो क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है ऑन कंक्रीट पाइप, तो ये सब बच जाएगा आपका। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड बनने से क्या होता है कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एक्शन हो सकता है सीवर में, तो वो बचेगा आपका। तो पोस्ट प्री भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो ओके। क्लोरीन में समटाइम वी एडेड टू सीवेज बोथ एट द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज स्प्लिट क्लोरीनेशन, और जो आप पढ़ते थे डबल क्लोरीनेशन करते हैं, वो चीज हो गया। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर क्लोरीनेटिंग सीवेज में वेरी कंसिडरेबली बट इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन दैट रिक्वायर्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन, ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा बैक्टीरियल काउंट रहता है देन दैट, ओके, हेंस इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस एंड एज सच जनरली नॉट अडॉप्टेड इन नॉर्मल सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। मोस्ट ऑफ आवर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर देयरफॉर जनरली नॉट इक्विप्ड विद क्लोरीनेशन फैसिलिटीज एंड इवन दोज प्लांट्स विच आर प्रोवाइडेड विद क्लोरीनेटर्स ऑफन यूज देम इंटरमीडिएटली टू रिसीव टू रिलीव ओवरलोड ड्यूरिंग पीक डोज। क्लोरीनेशन मे हाउएवर बी अडॉप्टेड वेन नीडेड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ बीचेस, ठीक है, सेलफिश बेड, ओके, वाटर सप्लाई, तो इस तरह कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम लोग क्लोरीनेशन कभी यूज करेंगे। कह रहे हैं मतलब जहाँ जिस प्लांट पे क्लोरीनेटर लगा हुआ है वहाँ भी हम लोग हमेशा यूज नहीं करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्लोरीनेशन अगर इस केस की बात करें तो। तो यहीं पे हमारा देखिए ये जो यूनिट है आपका खत्म हो जाएगा, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर, ठीक है। तो क्या लगता है, समझ में आया आपको? यस सर। तो देखिए ऐसे लेकिन नहीं चलेगा जो आपका रेस्पॉन्स है कि मतलब आपसे पूछें छोटा सा कि क्लोरीन को कैसे ऐड कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, कभी हम आपसे पूछे कि ESP को क्या कैसे क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए, मतलब कैसे यूज कर रहे नहीं कर रहे, ये तो जनरल चीज है, जनरल नॉलेज की बात है, एज अ सिविल इंजीनियर आपको जानना चाहिए सब चीज। आपको पूछ सकता है कोई, मान लीजिए आप कहीं गए साइड पे गए आपके घर के आसपास ही देखें नदी सॉरी नाला वगैरह है, ड्रेनेज सिस्टम है, काफी बदबू कर रहा है, तो हम क्या करें, क्या हम छींटे वहां पे, तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं हम जो क्लोरीनेशन के लिए जो हम लोग यूज करते थे ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दें, क्यों नहीं हम कुछ और यूज करें। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कुछ पानी में फ्लोराइड ज्यादा है, यहाँ पानी में आयरन ज्यादा है, यहाँ पानी में ये ज्यादा है, क्या हम कुछ फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का यूज कर सकते हैं, क्या हम और भी चीजें जैसे मान लीजिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस है तो कहाँ उस तरह का सोच लगा सकते हैं। तो ये सब सोचिए आप कि जो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए ताकि आपके दिमाग में रहे, ओके। और हालांकि ये बड़ा बड़ा चैप्टर था, इसको आप समझ सकते हैं कि होता है लोड ज़्यादा है, बहुत सारा चैप्टर पढ़ना पड़ता है आपको, बहुत सब्जेक्ट है, तो जो भी हो बट आप लोग समझिए जरूर, और अगर समझ गए तो अच्छी बात है, और कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे, और भी टेस्ट जब लेंगे असेसमेंट करेंगे तो भी इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट सेशन से हम लोग यूनिट 4 पे चलेंगे जो का आपका है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एक्चुअली है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्री से जो आता है उसको देख लेंगे, ठीक है, उसमें फिर किस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं बस उसको जानेंगे, बस सिंपल है, 2 नंबर पूछा जाता है उससे, तो मेरे हिसाब से 1-2 लेक्चर का है जो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं खत्म करते हैं सेशन को, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर।